ओके घर में सब सब ठीक ठाक हो ना सब लोग? यस सर। ओके चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा थी याद है? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा थी याद है? इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम। क्या? इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम। इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम क्या होता था, उसमें क्या काम था? बोलो। वोल्टेज टाइप के साथ वेरी करता था। इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम में एक्चुअली मेन फंक्शन क्या था? वोल्टेज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे? वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे थे, यही ना? और हम लोग बेसिकली वोल्टेज को मेजर करना था, डीवीएम, डिजिटल वोल्टमीटर का ये यूज होता था इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम में, ठीक है? उसके पहले हम लोग क्या पढ़े, रैंप टाइप पढ़े थे, फिर इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम पढ़े, ठीक है? याद हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा, क्या भूल गया पूरा? हाँ सर याद। हम पोर्शन याद हो रहा है कि नहीं? बाकी लोग सबसे पूछ रहे हैं हम। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी रैंप टाइप टेक्निक, फिर इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम पढ़े। रैंप टाइप में क्या होता था? इंटीग्रेटिंग टाइप में क्या हो रहा है ना, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है? इंटीग्रेटिंग टाइप में क्या हो रहा है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, और रैंप टाइप में क्या हो रहा था, कन्वर्शन टाइम पे हो रहा था। टाइम सर वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन था। वोल्टेज टू टाइम कन्वर्शन हो रहा था मेरा रैंप टेक्निक में। ओके, तो ये दो टेक्निक था। उसके बाद हम आज लोग आज जो टॉपिक में पढ़ेंगे वो है सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइम डीवीएम, ठीक है? सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइम डीवीएम। तो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन इसका मतलब मीनिंग क्या होता है? सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन पहले बताओ मीनिंग, उसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मीनिंग क्या होगा बताओ कोई? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का बेसिक मीनिंग पहले बताओ, उसके बाद हम लोग एक्चुअली इसका जो नाम होगा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ टाइप डीवीएम, ठीक है? एक भी डिजिटल वोल्टमीटर है, ये भी डिजिटल एक वोल्टमीटर है। लगभग ठीक, और सक्सेसिव मतलब क्या? अजय पाठक। यस सर। सर सक्सेसिव मतलब सर सर उसके आगे, मतलब अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है ना, जो हम लोग लगभग जो बोला है ना, वो इक्वल टाइप का, ठीक है? तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो डीवीएम टाइप है वोल्टमीटर, ये बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है ना, जो कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं ना, बैलेंसिंग ऑफ वेट, बैलेंसिंग ऑफ वेट के ऊपर काम करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसका काम है। बैलेंसिंग ऑफ वेट का मतलब कोई बोल पाओगे? ठीक है, क्या क्या ड्रॉ किए हम, देख पा रहे हो कि नहीं? बोलो ये क्या है, इधर वेट है, इधर सम गुड्स पर सम सामान है, इधर ये कहाँ मिलते हैं हम लोगों के पास? तराजू, दुकानों का तराजू ना,
तो ये बैलेंसिंग वेट क्या होता है ना, मेरे पास कुछ बैलेंस पकड़ लो, ये 1 kg है, ठीक है, सबको सुना दे रहा है ठीक से? हेलो, यस सर। तो यहाँ पर 1 kg वेट का हम कुछ रखे हैं और हमको कुछ सामान चाहिए 1 kg का इक्वल होना चाहिए, तो अप्रोक्स मतलब इसके इक्वल होना चाहिए मेरा वो जो सामान होगा उसके साथ हम कैरी करेंगे। पकड़ लो इसमें कुछ सामान हम दिए हैं, उसका वेट जितना है वो पकड़ लो 800 ग्राम हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सामान दिए हैं और यहाँ पर 1 kg का वेट है, तो यहाँ पर 800 ग्राम दिए, तो क्या करना होगा हमको, 200 ग्राम ऐड करेंगे, 200 ग्राम ऐड करेंगे, तो 200 ग्राम गुड्स ऐड करेंगे। गुड्स तो हमको अननोन है, उसका क्वांटिटी हमको पता नहीं है, तो हम कुछ गुड्स यहाँ पर ऐड किए मगर वो क्या हो गया ना, 250 ग्राम ऐड हो गया है, जो गुड्स ऐड किए हम 250 ग्राम हो गए, तो आगे कितना हो गया वाला, 50 ग्राम ज्यादा हो गए, होगा कि नहीं? यस सर। तो हमको क्या करना होगा, 1 kg करने के लिए पूरा 50 ग्राम हटाना होगा। 50 ग्राम कैसे हटाएंगे हम बताओ, सिंपल सिंपल पूछ रहे तो उसके बाद ना इसका अंदर घुसेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल बैलेंसिंग ऑफ वेट के ऊपर काम करता है। वो बैलेंसिंग ऑफ वेट कैसे होता है? बैलेंस, हाँ बोलो सर, इस साइड में 50 ग्राम दे देंगे। कौन सा साइड में 50 ग्राम देते होगे? सर ये वेट फिक्स है सर, ये वेट तुम्हारा फिक्स्ड है, ये मेरा रेफरेंस के, ये क्या है मेरा रेफरेंस वेट है 1 kg, मेरा रेफरेंस वेट है, रेफरेंस है, हम ले लिए इसको रेफरेंस 1 kg, मेजर करना है 1 kg हमको मेजर करना है। तो पहले 800 दिए थे गुड्स, फिर बोला सर आप थोड़ा देना है, तो हम थोड़ा और गुड्स लेके दे दिया। 1 kg चीनी पकड़ लो, चीनी का तो वेट हमको पता नहीं, दे दिया देखो 800 है, फिर और थोड़ा चीनी दे दिया 1 kg करने के लिए, मगर दे दिया कितना 250 ग्राम दे दिया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 50 ग्राम, एक सिंपल एकदम बेसिक। तो 50 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सा शुगर यहाँ से हटा देंगे, हटाएंगे नहीं यहाँ से, यस सर, यस सर, हटाए कितना हम पकड़ लो, वहां से जितना भी उठाया वो 70 ग्राम हो गया, यहाँ से जितना उठाया कितना हुआ, 70 ग्राम, 50 उठाना था 70 उठ गए, तो कितना घाटा हो गया हमें, 20 ग्राम घाटा हो गया मेरा, हुआ कि नहीं, यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा और 20 डाल दे देंगे इसमें, और जो शुगर हम दिए उसमें फिर 25 ग्राम दे दिया ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, और क्या हुआ अभी, प्लस 25 ग्राम दिए हम, तो अभी वेट इक्वल हो गया, 5 ग्राम ज्यादा, इक्वल नहीं बट अप्रोक्स वैल्यू तो उसका सेम होगा ना, हां तो 5 ग्राम ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे और थोड़ा सा शुगर इससे हटाएंगे, तो फिर शुगर थोड़ा थोड़ा हटाया 10 ग्राम हटाया, मतलब जितना हटाया हम पता नहीं कितना हटा रहे हैं, हम 5 ग्राम हिसाब से उसको चम्मच से उसको उठाया मगर वो 10 ग्राम घट गया, मतलब 5 ग्राम घटा हो गया। तो फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा चीनी फिर इसमें दे देंगे, अप्रोक्स थोड़ा देंगे, अभी यहाँ से देख लेंगे वो इक्वल हो गया, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पर इन्वॉल्व है, देख पा रहे हो ना नीचे से फास्ट, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 5-6 बार हम किए, उसके बाद मेरा यहाँ पर 1 kg वेट आ गए। बात क्लियर है मेरा, मतलब सक्सेसिव अप्रोक्सिमेशन DBM किस पे काम करता है ना, वर्किंग ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ वेट, वेट के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं ना, पकड़ लो उसमें 8-bit कोई रजिस्टर होगा, जब सर्किट हम बताए देखाएंगे उसमें कुछ 8-bit का रजिस्टर है, तो 8-bit रजिस्टर मतलब डी इस टाइप का होगा रजिस्टर, मतलब हम लोग डिजिटल पढ़ के आए हो, पकड़ लो 8-bit रजिस्टर मतलब D0 to D7 तक मेरा रजिस्टर है, टोटल 8-bit रजिस्टर में है, तो काउंट होगा एज ए रजिस्टर में, जैसे यहाँ पर इन्वॉल्व है 5, 6, 7 इस तरह की इन्वॉल्व किया। अच्छा एक मिनट, इसमें हर्ट्ज, कोई भी एक जन ठीक है, तुम लोग का स्क्रीन शॉट हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, अटेंडेंस का, ठीक है, ठीक है सर, यस सर। तो कितने बार हम लोग यहाँ पर पकड़ो, 4, 5, 6 बार, 7 बार हम लोग वेट घटाया दिया घटाया दिया, इस करके मेरा ये बैलेंस हो गया अभी 1 kg हो गया। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा मेरा सक्सेसिव अप्रोक्सिमेशन टाइप DBM। सक्सेसिव अप्रोक्सिमेशन DBM का बेसिक प्रिंसिपल क्या है ना, बैलेंसिंग ऑफ
वेट, इस ये जो मेथड है भाई, जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में ये काम करेगा। तो सर डिजिटल वोल्टमीटर में वेट कहां से होगा? ठीक है, डिजिटल वोल्टमीटर वेट नहीं होगा, डिजिटल वोल्टमीटर में हम लोग जो रजिस्टर है हम लोग का, और जो सक्सेसिव अप्रोच वाला एक रजिस्टर होगा, 8 बिट काउंटर होगा, उसमें हम लोग देखेंगे जो हम लोग का इनपुट वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज और हम लोग रेफरेंस वोल्टेज के रहेगा, उस दोनों के बीच में कंपेयर होगा। कंपेयर करके हम लोग रजिस्टर्स में देखेंगे जो जो इनपुट वोल्टेज है उसके साथ वैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ अलग-अलग वोल्टेज देके हम लोग उसको देखेंगे। नेक्स्ट इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, हम देखेंगे इसका कैसे काम करता है। तो बेसिक इसी तरह से मतलब जितना भर वो रेफरेंस 1 किलो के इक्वल नहीं होगा, जैसे यहाँ पर 1 किलो वोल्ट लिखते हैं तो उधर क्या होगा ना, एज ए एग्जाम्पल हम बोलेंगे 1 वोल्ट, एज ए एग्जाम्पल हम लिखेंगे जो इनपुट वोल्टेज है मेरा 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट के साथ हम जो मेजर करेंगे आउटपुट में वो 1 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है उसको कंपेयर करेंगे, मेरा सक्सेसिव अप्रोच ऑफ रजिस्टर है उसमें सब फंक्शन होगा, होते होते हमको दिखाएगा हाँ अभी 1 वोल्ट हो गए हैं आपका, अभी कंप्लीट हो गए। और वो जो प्रोसेस होगा ये D0 to D7 मतलब 8 बिट रजिस्टर होगा, तो उसमें 8 बार ऐसा हो के मेरा फाइनल रिजल्ट हमको दे देगा जो आपका अभी जो इनपुट वोल्टेज था वो अभी इक्वल है, मतलब 1 किलो इक्वल्स टू 1 किलो हो गया। क्लियर? ये जस्ट बेसिक क्या होने वाला है इसके अंदर, ये वाला बताया। अभी हम साथ ही अंदर घुसे नहीं, इसका ओवरऑल स्टेप बताया हम। इसमें किसी का कोई डाउट है तो बोलो, उसके बाद हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम डिजाइन करेंगे। बोलो बोलो, कोई किसी का सवाल है तो पूछो। किसी का कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके राहुल, राहुल यस सर, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन का कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं? सर अप्रोक्सीमेटली पे काम करता है सर। ठीक है, ओके क्या है बताओ, कोई एक दिन बताओ कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? डीवीएम डिजिटल वोल्टमीटर, बैलेंसिंग ऑफ वेट, बैलेंसिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ वेट। ओके तो ब्लॉक डायग्राम देखते हैं हम लोग। इसमें फास्ट एक इनपुट पकड़ लेते हैं, एक इनपुट लाइन मेरा। अच्छा इनपुट से हम लोग कौन सा ब्लॉक यूज करते थे इनपुट के बाद पता है? जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं इनपुट के बाद हम लोग क्या क्या यूज करते थे, कौन सा ब्लॉक बताओ, क्या था यहाँ पर सेम बताओ, सेम चीज हम करेंगे। इनपुट क्या था? एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर और एक सर्किट हम लगाएंगे, वो है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट, ठीक है हम इसके बारे में आ रहे हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या है, नेक्स्ट क्या है। इसके बाद हम लोग यहाँ से एक इनपुट यहाँ से लेंगे और इधर से यहाँ से लेंगे और यहाँ पर एक कंपैरेटर लगाएंगे। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर एक डीएसी, देख पा रहे हो ना? तो क्या हुआ इनपुट, इनपुट एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर काम क्या होता है हमारा, और सैंपल एंड होल्ड सर्किट, और उसके बाद एक ये क्या है नहीं कंपैरेटर है, तो हम जस्ट थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर एक कंपैरेटर है, कंपैरेटर। ठीक है डीएसी का काम क्या है, ये डीएसी है ठीक है, और यहाँ पर एक रेफरेंस सप्लाई हम लेते हैं, रेफरेंस सप्लाई, और इसमें एक
सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन एसआरआर कितना बीट का रजिस्टर हम बोले हैं बोलो ये कंट्रोल रजिस्टर कितना बीट का बोले हैं हम 8 बीट ठीक है तो 8 बीट मतलब कितना लाइन होगा टोटल हमारा बोलो 8 लाइन होगा 8 लाइन होगा लाइन D0 to D7 ठीक है D0 to D7 और मेरे DAC है DAC के थोड़ा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है DAC ठीक है और फिर सक्सेस एक्सप्रेशन ये क्या कौन सा गेट है गेट का नाम बताओ ये जो गेट है कौन सा गेट एंड गेट एंड गेट ओके ये कंट्रोल लिस्ट है इसमें सात ये है और इसके बाद हम यहां से नीचे में एक रिंग काउंटर अटैच कर रहे हैं रिंग काउंटर एक डिले सर्किट यहाँ पर है एक रिंग काउंटर है यहाँ पर और नीचे सुरा और एक बना देते हैं हम थोड़ा ये मेरा स्विच है बस स्टार्ट एंड स्टॉप मल्टी वाइब्रेटर ठीक है इसमें से रिंग में स्टार्ट स्टॉप होगा स्टॉप ओके चलो सबको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना हेलो दिख रहा है सर दिखा दे रहा है ठीक है चलो अब एक एक करके ओबीसी गुंजन एक मिनट ओके चलो तो ये टोटल डायग्राम है मेरा ब्लॉक डायग्राम सक्सेस एप्रोक्सीमेशन टाइप बीबीएम का ठीक है तो फर्स्ट क्या है ना इनपुट है सर इनपुट में मतलब जो हम लोग मेजर करेंगे जिस वोल्टेज पे इनपुट दिया है इनपुट एटेंडर है फिर सैंपल एंड होल्ड सर्किट तुम लोग लिख के रखो इसमें ये सर एक जो है ये पूरा फुल फॉर्म है इसका सैंपल एंड होल्ड सर्किट उसके बाद ये जो है एक कंपैरेटर है कंपैरेटर का काम क्या था बताओ पहले पढ़ाए थे हम कंपैरेटर का काम क्या था बताओ तुम लोग कंपैरेटर का काम क्या है सर कंपैरेटर का नॉन मेजरमेंट और जो मेजरमेंट से कंपेयर करता है कंपैरेटर का नाम से तो पता चल रहा है क्या होगा उसमें बताओ कंपेयर ठीक है सर उसमें ऐसे वोल्टेज रहे तो उसको ओके करेगा कंपैरेटर मेरा ठीक है ओके फिर डीएसी है यहाँ पर क्या होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होगा मतलब जो भी डिजिटल सिग्नल है उसको कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल में यहाँ पर ट्रांसफर होगा क्योंकि यहाँ पर एनालॉग हम लोग दिए इनपुट पे इनपुट एटेन्यूएटर क्या किया है उसको एटेन्यूएट किया उस लेवल में जो मेजरिंग रेंज में उस पर एटेन्यूएट करेगा और यहाँ पर सैंपल एंड होल्ड सर्किट रखा है इसीलिए हम लोग को जो एसी सिग्नल यहाँ पर देंगे एक्चुअली ये पूरा डीबीएम मेरा डीसी में काम करेगा ठीक है तो इसलिए ये क्या होगा सैंपल एंड होल्ड सर्किट इसको डिजिटाइजेशन करेगा बा क्वांटाइज करेगा इस सिग्नल को ठीक है सैंपल एंड होल्ड सर्किट काम है तो उससे फिर भी इन जो इनपुट वोल्टेज था मेरा वो वोल्टेज यहाँ से आएगा और ये जो पोर्शन है एक रेफरेंस वोल्टेज की तरह हम कुछ वोल्टेज यहाँ पर रखेंगे अभी ऐसे एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट ऐसे एग्जांपल ये 5 वोल्ट है और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज ऐसे एग्जांपल हम ऑन करके देख चल रहे हैं ठीक है तो क्या होगा ना जो 5 वोल्ट है डिजिटल कन्वर्ट होगा इस लेवल पे रेजिस्टर है यहाँ पर एक साथ फिर रिंग काउंटर एक है और डिले है यहाँ पर एंड गेट है कंपैरेटर कंपैरेटर का जो आउटपुट होगा वो कहाँ फीड हो रहा है ना एंड गेट में ठीक है और एक डिले सिग्नल है जहां से स्टार्ट एंड फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर हम लोग एक पल्स जनरेट करेंगे इस पल्स जनरेट जहां से होगा इस पल्स एक बार रिंग काउंटर में रिंग काउंटर पे फिर जाकर कंट्रोल जो रजिस्टर है मेरा उस जगह जाएगा कंट्रोल रजिस्टर मतलब
जो ईडीपी रजिस्टर है उसमें जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से और एक सिग्नल कहाँ जाएगा, जहाँ डिले में जो स्टार्ट एंड स्टॉप मालूम है, जैसे हम लोग सिग्नल जनरेट करेंगे, पल्स जनरेट करेंगे, उसका एक पल्स जा रहा है रिंग काउंटर से कंट्रोल रजिस्टर में और दूसरा पल्स जा रहा है एंड गेट में, ठीक है। ये जो स्टार्ट पल्स जा रहा है रिंग काउंटर से कंट्रोल रजिस्टर में एक पार्ट गया, यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर D0 से D7 टोटल 8 बिट रजिस्टर है, तो फर्स्ट एकदम 8 बिट में चारों जो बीट है सब 00 बगल लेता है इसे, ठीक है। जो 8 बिट है ये D0 से D7 तक है, इसके बीच में D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5, D6, ठीक है, ये टोटल है, और मेरा जो बीट है टोटल ये सब इस टाइप के हैं, ओके। पहले जीरो पार्ट फर्स्ट एकदम हम लोग एक सिग्नल भेजा है यहाँ पर, तो ये कंट्रोल रजिस्टर जो होगा उसमें D7 को अगर लो D7 जो होगा पहले जीरो था, फिर सिग्नल आएगा इसमें वन होगा, इसमें D7 में वन फर्स्ट सिग्नल भेजे तो D7 क्या होगा ना वन होगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा ये जो वैल्यू यहाँ से कन्वर्ट होकर डिजिटल पे एनालॉग में कन्वर्ट होके ये वाला वैल्यू यहाँ पर आएगा, और यहाँ से जो 1 वोल्ट का जो था ये यहाँ पर आ रहा है, तो इस बीच में क्या होगा, दोनों में जो कंपैरेटर है, कंपैरेटर का काम क्या है, हेलो, कंपैरेटर का काम क्या है, सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बोलो, कुछ पूछ रहे हैं आप, यस सर सुनाई दे रहा हूं, कंपैरेटर का काम बताओ, कंपैरेटर का काम क्या है, अभी तो हम बताए कंपैरेटर का काम, क्वेश्चन का काम क्या है बताओ, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे हम, बोलो सर, अगर एसी वोल्टेज आएगा तो उसको रोकेगा डीसी में, एक कंपैरेटर का काम पूछे हम, कंपैरेटर सर इनपुट और आउटपुट के बीच के वोल्टेज डिफरेंस को सर कंपेयर करेगा सर, हाँ, तो इनपुट और आउटपुट का बीच में वो कंपेयर होगा, कंपैरेटर का काम है, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट, तो इस रेजिस्टर से जो जो भी वैल्यू जाएगा रेफरेंस वोल्टेज उसमें कंट्रोल रजिस्टर में D7 में आप पहले स्टार्ट पल्स अप्लाई किए, यहाँ से स्टार्ट एंड मल्टीप्लाई पे यहाँ से एक पल्स अप्लाई किया हम लोग, और ये पल्स ये रिंग कंट्रोल रजिस्टर में गया है, कंट्रोल रजिस्टर से उसका वैल्यू डीएससी से मेरा आउट जो है इसमें गया है, और इधर का इनपुट वोल्टेज यहाँ है, तो इन दोनों में कंपेयर होके फिर कंपेयर का आउटपुट एंड गेट में, एंड गेट से फिर रजिस्टर में जाएगा, रजिस्टर में क्यों जा रहा है ना, इन दोनों का बीच में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग हम बताए थे बैलेंसिंग ऑफ वेट, जो बैलेंसिंग ऑफ वेट में कैलकुलेशन का डिपेंडेंट है मेरा एप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पर कंपेयर होते जाएगा कब तक होते जाएगा, ये जो कंपेयर होता जाएगा कब तक होता जाएगा, जब तक ये रेफरेंस इनपुट वोल्टेज जो मेरा वोल्टेज है उसके इक्वल नहीं हो रहा है ये आउटपुट वोल्टेज रजिस्टर से, तब तक यहाँ पर कंपेयर होता जाएगा, तो इसी को ये जो कंपेयर है वी इन और वी आउट उसके ऊपर डिपेंड करके मेरा जो एंड गेट है वो काम करेगा, एंड गेट में जब यहाँ पर हाई रहेगा तो एंड गेट में कंपेयर का आउटपुट हाई होगा, तब एंड गेट का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हाई मतलब डिजिटल में हाई एंड लो बोलते हैं हम लोग, हाई मतलब वन सर, वन जब वन रहेगा एंड गेट में, ये तो वन यहाँ दिए रहे हैं तो वन इनटू वन मतलब एक पॉजिटिव पल्स यहाँ पर देगा, और जब लो रहेगा तो यहाँ पर जीरो देगा, मतलब हाई एंड लो यही दोनों के ऊपर एक कंट्रोल रेजिस्टेंस का वैल्यू का चेंज होने वाला है, ठीक है, तो वो वी इन और वी आउट के ऊपर डिपेंडेंट है, जब वी इन, जब एकदम सुन लो मेन लाइन, जब वी इन और V out, V in जब greater than V out होगा, V in greater than V out जब होगा,
तो कंपैरेटर आउटपुट होगा पॉजिटिव। बात क्लियर? नोट करके रखो, जब वी इन आउटपुट ग्रेटर देन वी आउट होगा, मतलब देन वी आउट कंपैरेटर आउटपुट शुड बी पॉजिटिव एंड वी इन लेस देन वी आउट कंपैरेटर आउटपुट शुड बी नेगेटिव। ये दो वर्ड दिमाग में घुसा लो, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है? तो वी इन जब पॉजिटिव होगा तब मेरा कंपेयर का आउटपुट पॉजिटिव होगा, मतलब मेरा एनगेट में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, बा कंट्रोल रजिस्टर में पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। बट जब नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन वी आउट होगा, तब क्या होगा ना, ये मेरा लो हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज भी जीरो आएगा नैंड गेट से। तो हम लोग उसका एक एग्जांपल लेके देखेंगे, बट पहले ऑपरेशन तुम लोग समझ लो कैसे हो रहा है, ठीक है? ओके सर, छोटा बोर्ड चाहिए? हाँ, छोटा बोर्ड मेरे तो लैब में नहीं है, एक तो चाहिए। ऑनलाइन क्लास है, जब हम तुम्हारे ओखने हो गए, एखने हो गए तो ना ए एकटा एकटा হলে ভালো হয়, ল্যাবে নেই। হ্যালো, देखो इसका पहले ऑपरेशन मतलब कैसे काम करते इसको समझो, उसके बाद हम एक टेबल है, टेबल से तुम लोग को इसका पूरा क्लियर आइडिया दे देंगे। तो पहले बेसिक क्या हो रहा है ना, जब वी इन मेरा रहेगा, वी इन क्या होगा ना, वी इन ग्रेटर देन वी आउट जब रहेगा तो इसका जो कंपैरेटर का आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है? फर्स्ट क्लॉक पल्स में एक पल्स यहाँ से जनरेट किया हम लोग मल्टीप्लाइवेटर से, एक पल्स किया, फिर उसमें जाकर वी आउट दिया, वी आउट वी इन के साथ कंपेयर होके क्या हुआ ना, वी इन ग्रेटर देन होगा वी आउट से, तो एनगेट का आउटपुट पॉजिटिव में मिलेगा हम लोग को यहाँ पर। ओके क्लियर? कंपेयर का आउटपुट पॉजिटिव होगा तो, ठीक से सुनो, कंपेयर का आउटपुट पॉजिटिव होगा तो उसका जो बीट होगा, जैसे D7 सेट होगा, मतलब उसको हम रिसेट नहीं करेंगे, मतलब है जो वैल्यू आया, इस वैल्यू यहाँ से D2A कन्वर्टर से होकर यहाँ पर आया। यहाँ पर क्या होगा, जब Vin ग्रेटर देन Vout होगा, Vin जब ग्रेटर देन Vout होगा तब क्या करेंगे ना, इसको सेट पोजीशन में रख देंगे, ये जो बीट है इस सेट पोजीशन में रह जाएगा, मतलब D7 1 में ही रह जाएगा। नेक्स्ट बीट में क्या करेंगे हम लोग, इसको सेट D7 को 1 करेंगे, D7 1 करेंगे, उसके बाद बाकी को सब 0-0 कंपेयर करते जा रहे हैं। फिर जब D6 को 1 किए हम, तब इसका आउटपुट वोल्टेज जो आया, देखिए क्या हुआ ना, इसका इनपुट और आउटपुट में जो आउटपुट वोल्टेज था वो क्या हो रहा है ना, Vin less than Vout हो रहा है। जब भी Vin less than Vout होगा, एक मिनट, जब भी Vin less than Vout होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस बीट को रिसेट करेंगे, मतलब ये वाला मेरा फिक्स, इसको हम रिसेट 0, फिर नेक्स्ट बीट को सेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनो, जब ऊपर वाला फिर से बताइए सर। हाँ, एक तो 3 लाइन 2 लाइन ठीक से समझ जाओ, बाकी का नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिक क्या हो रहा है ना, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज के साथ वी आउट का, जो आउटपुट यहाँ से दे रहे हैं हम लोग, इसके साथ मेरा इनपुट वोल्टेज मतलब अननोन। अब एज ए एग्जांपल हम यहाँ पर 1 वोल्ट पकड़ के देखेंगे, ठीक है? तो इसमें हम पहले रिंग काउंटर में एक सिग्नल दिया, रिंग सिग्नल मतलब D0 to D7 में D7 को सेट कर दिया, 1 में सेट, 1 में दे दिया। तो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ से डी कन्वर्ट होके इसमें आ रहा है, वी इन के साथ कंपेयर हो रहा है। वी इन के साथ जब कंपेयर होगा तब क्या देख रहे हैं ना, वी इन ग्रेटर देन वी आउट होगा, तो वी इन ग्रेटर देन वी आउट होगा तो इस बीट का बीट हम लोग चेंज दिए थे, सिर्फ वैल्यू को सेट किए थे D7 को, उसको हम लोग सेट पोजिशन में रखेंगे। उस जगह में वी इन की जगह वी आउट ग्रेटर देन हो जाता, ज्यादा हो जाता, तो हम लोग इसको 1 में नहीं रखते, नेक्स्ट पोजीशन में इसको हम लोग 0 कर देते, इसको 1 रखते। अभी देखो, बस समझ में आया, सेट एंड रिसेट मतलब वेट घटाना, वेट ऐड करना, वो डिपेंड होगा किसके ऊपर, मेरा वी इन एंड वी आउट का आउटपुट मैग्नीट्यूड के ऊपर। कैसे ना, यहाँ पर कंपेयर होगा, पकड़ लेंगे
वन वोल्ट है या फिर फाइव वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें कंपेयर हो क्या नेगेटिव आया है, यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आया है, पॉजिटिव टर्मिनल आया है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ है दिया हुआ, तो नेगेटिव वोल्टेज आएगा तो यहाँ से एंड गेट से क्या होगा लो, एंड गेट से क्या सिग्नल मिलेगा बोलो, लो सिग्नल मिलेगा, लो सिग्नल मिलेगा तो इसका जो रजिस्टर था इसको रिसेट मार देगा, इसको रिसेट कर देगा, नेक्स्ट बिट को रिसेट कर देगा, इसको रिसेट होगा ये बिट को। और जब भी पॉजिटिव आएगा मतलब ये वाला वोल्टेज कम है, मतलब डी गेटर देन मतलब ये 0.5 वोल्ट, तो ये होगा तब यहां पर पॉजिटिव आएगा, मतलब इसको सेट वो वाला जो बिट रहेगा वो सेट रहेगा, मतलब सेट ये वाला बिट सेट रह जाएगा, नेक्स्ट बिट में वो सेट रहेगा, दूसरा का हम लोग सेट करेंगे। सेट का मतलब है 1 और 0 करना है, जैसे वेट घटाए थे वेट ऐड कर रहे थे उस टाइप से हम लोग सेट रिसेट करते करते इस पूरा प्रोसेस कब तक होते जाएगा, टोटल 8 बिट है तो 8 बिट तक हम लोग करते जाएंगे, यहां से स्टार्ट किए यहां से करते करते पूरा 8 बिट मतलब यहां तक जाएंगे, मतलब 0 था ये 1 इसको फिर 0 इसको 1 फिर 0 1 और ये 0 1 कब तक होता रहेगा ना, जब उसका ये डिपेंड करेगा Vin एंड Vout का मैग्नीट्यूड के ऊपर, जब भी मैग्नीट्यूड Vin का ग्रेटर देन होगा, जब भी Vin ग्रेटर देन होगा Vout से तब क्या पोजीशन लेंगे हम लोग, क्या पोजीशन सेट पोजीशन सेट हाय पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव मतलब सेट, अब जब भी Vin लेस देन Vout तो कौन सा पोजीशन लेंगे रिसेट, मतलब उसका इस बीट को रिसेट कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट में, और सेट मतलब ये मेरा रह जाएगा फिक्स रह जाएगा यहां पर रह जाएगा ये मेरा पॉइंट, बस समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो बोलो 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 क्या बोल रहे हो बोलो, बात तुम्हारा बात ठीक से आ नहीं रहा है मेरे पास, कोई और कोई क्या बोल रहे सुनाया जाए तो बताओ, यहाँ पर डिले का क्यों यूज किया गया है थोड़ा बता देते हैं, डिले काउंटर का क्यों यूज किया गया है ना, जो टास्क जो पल्स है हम लोग जो यहाँ से पल्स दे रहे हैं जो टास्क पल्स इस जगह से, ठीक है, ये जो पल्स है ये यहाँ से क्या किस किस से जाता है ना, रिंग काउंटर फिर सार से फिर डीए से फिर कंपैरेटर से फिर गेट एंड गेट में आ रहा है, तो ये जो चारों काउंट पार्ट है 1 2 3 4 इसमें हर जगह में कुछ माइक्रो सेकंड ले रहा है 10 20 10 20 ऐसा करके, तो इसलिए उस नंबर ऑफ टाइम को यहाँ पर डिले करके यहाँ से और एक सिग्नल एंड गेट में भेजा गया है, क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ पर कंपेयर हुए एंड गेट में, इसलिए डिले का हम लोग डिले टाइम का यूज करते हैं, ठीक है। डिले का यूज करने का मतलब है ये चार काउंटर से होते हुए मतलब चार रजिस्टर मतलब रिंग काउंटर सार डीए एंड कंपैरेटर इसके टोटल टाइम को डिले करा के यहाँ पर एंड गेट में एक सिग्नल यहाँ से भेजा जा रहा है और एक सिग्नल यहाँ से भेजा जा रहा है, बट इसमें मेन फंक्शन Vin एंड Vout के साथ कंपेयर होके ही मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमको मिलेगा। तो ओवरऑल इसका ऑपरेशन क्लियर है तो हम लोग एक इस टेबल को हम तुम लोगों को दिखाएंगे कैसे इसमें सेट रिसेट हो रहा है, तो बेसिक क्लियर हुआ है ऑलरेडी जो Vin Vout कौन सा स्टेप में एंड गेट से आउटपुट पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा, कोई एक जन बताओ तो हमको एंड गेट का आउटपुट कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, मतलब कब हाई होगा कब लो होगा, कोई भी एक जन सलोनी बोल पाओगे सर, SH सर्किट का क्या रोल है सर? ये इनपुट अटेन्यूएटर के बाद है ना SH? हाँ वो तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का बेसिक काम ही तो हम बोले जो हम लोग का सर्किट जो एसी सिग्नल है नॉर्मली इनपुट वोल्टेज में अदर देन डीसी सिग्नल जो आएगा उसको हम लोग सैंपल करेंगे, मतलब डिस्क्रीटाइजेशन करेंगे उसको, इसके लिए मेरा सैंपल एंड होल्ड सर्किट का हम यूज किएंगे, कन्वर्शन करेंगे उस वोल्टेज को। देखो किधर दिखा रहे हैं, पकड़ लो तुम्हारा ये है मेरा एसी सिग्नल इस टाइप से, ठीक है, जब हम लोग सैंपल होल्ड सर्किट यूज करते हैं क्या होता है ना इसको हम लोग डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं इस टाइप से,
सैंपल एंड होल्ड, इफ होल्ड सैंपल हुआ होल्ड हुआ फिर सैंपल एंड होल्ड, इस तरह से इसको डिस्क्रिटाइजेशन किया जाता है इस सिग्नल को। तो इसका काम है, बेसिक काम है मेरा सैंपल एंड होल्ड सर्किट का। ठीक है ऋषभ? यस सर। एंड गेट का जो आउटपुट है काउंटर रजिस्टर में कौन सा पोजीशन में कब होगा, कब हाई होगा कब लो होगा, थोड़ा बताओ सर। व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन वी आउट देन द आउटपुट विल बी पॉजिटिव, आउटपुट विल बी पॉजिटिव। एंड सर व्हेन वी इन इज लेस देन वी आउट देन द आउटपुट विल बी सर नेगेटिव, नेगेटिव द आउटपुट व्हेन द नेगेटिव। तो कंट्रोल रजिस्टर में जो मेरा बीट है D0 to D7 उसका सेट रिसेट का किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? द बीट विल बी सेट और रिसेट, व्हेन द बीट विल बी सेट एंड रिसेट सर? जब वीन सर बड़ा होगा सर तो सेट होगा सर, वीन सर छोटा होगा तो रिसेट सर। रिसेट, ये बात सबको क्लियर? ये सब ने जो बात बोला ये बात सबको क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये जो सेट एंड रिसेट किसके ऊपर है डिपेंडेंट ना, मेरा वी इन और वी आउट का कंपेयर होकर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, जो आउट आएगा और उसके दोनों के कंपेयर के कारण जो मैग्नीट्यूड का जो कंपेयर होगा उसी के कारण मेरा सेट डिसेट होगा। अभी सेट डिसेट किसके हो, किसका होगा ना, जो मेरा कंट्रोल रजिस्टर है D0 to D7 में टोटल 8 बिट का रजिस्टर है, मतलब पहले पूरा चारों मेरा 8 हो गया है 0 0 0। ठीक है, इस सारा बिट को हम लोग एक बार सेट करेंगे और कंपेयर करते जाएंगे, कंपेयर मतलब सारा बिट को हम सेट करेंगे, मान लो पहले बिट एकदम फास्ट, पहले एकदम पूरा क्या है सारा 0 0 0। ओके, फर्स्ट D7 को हम सेट किया, बाकी सब को क्या 0 जैसा नॉर्मल सब तैसे कर दिया। तो इसका जो वैल्यू होगा, इस एनालॉग डिजिटल वैल्यू, ये डिजिटल का जो एनालॉग वैल्यू होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर इसके साथ कंपेयर होगा, कंपेयर करके देखा गया है जो बी इन लेस देन बी आउट हो गया, बी इन लेस देन बी आउट हो गया, बी इन लेस देन बी आउट होगा। तो हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, D7 का वैल्यू को क्या करेंगे, बोलो, रिसेट करेंगे, रिसेट करेंगे, रिसेट करेंगे तो 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 होगा 0। और फिर नेक्स्ट बिट को हम क्या करेंगे, नॉर्मल मतलब जैसे सेट करना है सेट करेंगे, क्लियर? फिर इस वैल्यू का फिर हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ, फिर वैल्यू को कंपेयर करके फिर देखा क्या, मैं फिर देखा हम लोग बी इन लेस देन